एक जुड़ाव होता है राजनीतिक, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो अपनी जमीन से होता है, जहां अपने परिवार के पुश्तों की पैदाइश है वो एक अलग बात होती है, वो एक लगाव होता है जो शायद लफ्जों में बताया भी नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से मेरे परिवार के सदस्यों का यही जुड़ाव है, यही लगाव है। मैं यहां आती हूं तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का, जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जू जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपने अपनी धरती का बुलावा था, ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई, पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूं, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहां जाती हूं और अपनी दादी को याद करती हूं।